तो मेरी जो चार लाइनें हैं वो इसी खूबसूरती के नाम है अर्ज किया है। बाबा तो आपके भक्ति है, और अगर आप तक बात पहुँचते हैं तो तालियों में इसका स्वागत कीजिए, मुझे सूचित करिए। तो ये अर्ज किया है कि यूं बिजलियों को गिराना बंद करो, बिजलियों को गिराना बंद करो, झुमकों को हिलाना बंद करो, बिजलियों को गिराना बंद करो, झुमकों को हिलाना बंद करो, और छुपा लो ये होठों के ऊपर का दिल, छुपा लो ये होठों के ऊपर का दिल, अब तो दिल भी हार बैठे हैं, ये जुल्फे सवारना बंद करो, अब तो दिल भी हार बैठे हैं, ये झुमके सवार झुमकों को सवारना बंद करो। और इसके पहले भी मीना में खाने शराब की बात हो रही थी, तो चार लाइनें उस शराब के ऊपर भी है कि अर्ज किया है कि क्या लुत्फ है साकी के मैखाने में, क्या लुत्फ है, क्या लुत्फ है साकी के मैखाने में, नशा तो है नजरों से पिलाने में, क्या लुत्फ है साकी के मैखाने में, नशा तो है नजरों से पिलाने में, और खाली प्याले भी झूमते रहते हैं वहाँ, खाली खाली प्याले भी झूमते रहते हैं वहाँ, उंगली जरूर घुमाई होगी उसने प्याले में, उंगली जरूर घुमाई होगी उसने प्याले में, और बर्बाद होके लौटे हैं गालिब कई, बर्बाद होके लौटे हैं गालिब कई, गए थे लुत्फ उठाने साकी के मैखाने में, लुत्फ उठाने साकी के मैखाने में। और आजकल अफवाहों पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, तो एक कार भरी अफवाह ये भी है, तो उस पर चार लाइनें पेशे खिदमत है, और तालियों से इसका स्वागत किया जाए भाई। अर्ज किया है कि आग और मोम को साथ लाया हूँ, आग और मोम को साथ लाया हूँ, मैं तेरे साथ तेरा हाथ थाम के आया हूँ, और चलती चलती अफवाह सही तो क्या, चलती चलती अफवाह सही तो क्या, इश्क है तभी तो तेरे लिए गुलाब लाया, इश्क है तभी तेरे लिए गुलाब लाया। और एक छोटी सी कविता है जो मैंने कल रात में लिखी, क्योंकि कल 15 अगस्त है, आज उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो आसमान से बहुतों ने लिखी है। अरे बहुत, तो बस हमारा एक जो कविता है वो थोड़ी सी अलग है, नॉर्मली वो अब 15 अगस्त के टाइम पर बहुत वीर रस में लिखते हैं, लेकिन हमारी अभी भी श्रृंगार रस में ही है। तो भूमिका कुछ कविता की ऐसी है कि एक नौजवान 23-24 साल का है, फौज का नौजवान अपनी छुट्टियों में आया हुआ है एक मेले में, वहाँ पर उसकी किसी से मुलाकात हो जाती है, तो उस पर चार लाइनें हैं, कविता को ध्यान सुने, और जब आपके पास पहुँचे तो उसे तालियों से सूचित करिए मुझे कि मिली थी नजर जब कहीं वो मेले में मिली, मिली थी नजर जब कहीं वो मेले में मिली, हुआ था बुरा हाल नजर उस पे जब पड़ी, हुआ था बुरा हाल नजर उस पे जब पड़ी, दुश्मनों का काल देखो मुस्कुरा पड़ा, दुश्मनों का काल देखो मुस्कुरा पड़ा, होठों की लाली ने न जाने उससे क्या कहा, होठों की लाली ने न जाने उससे क्या कहा, हिला के बालियों को कुछ इशारा हो गया, हिला के बालियों को कुछ इशारा हो गया, फौज का वो नौजवान घायल हो गया, फौज का वो नौजवान घायल हो गया। अब फौजी क्या कर रहा है, दिया था उसने भी सारा सर पे हाथ फेर के, हाथों का होता है बस हाथ तेरा हो गया, दिया था उसने भी सारा सर पे हाथ फेर के, धड़क रहा था दिल देखो जोर जोर से, आंखों के इशारे से देखो बात चल पड़ी, आंखों के इशारे से देखो बात चल पड़ी, चुपके चुपके मिलने की है राह चल पड़ी, चुपके चुपके मिलने की है राह चल पड़ी, प्यार हो गया इजहार हो गया, देखते ही देखते सौगात चल पड़ी, देखते ही देखते सौगात चल पड़ी, और दोनों की इश्क की है बारात चल पड़ी। देखिए
मेले में मिले, बातचीत हुई, इशारे हुए, बात भी चल रही, शादी भी हो गई। अब पहले पहले चुम्बन के बाद सीन ऐसा होता है, आगे चार लाइन में आप तक पहुंचता है, तो प्लीज तालियों से स्वागत करिए। ये ध्यान में रखिए कि एक सफर चल रहा है जिसमें अपनी पंक्तियों से एक दृश्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो दृश्य आप तक पहुँचता है तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए फिर। आप उसे सफर में साथ साथ चलते रहिए कि एक तरफ शादी हो गई है, पहले पहले चुम्बन के बाद अब क्या होता है कि हाथों में लगी मेहंदी का न रंग आया था, हाथों में लगी मेहंदी का न रंग आया था, छुट्टियों के खत्म की है चिट्ठी आ गई। अब देखिए, एक नॉर्मली होता है कि माँ बाप बहुत सहनशील होते हैं, क्या होता है लोग वीर की बात करते हैं, लेकिन मैंने इस अपनी कविता में एक वीर की वीरांगना के करेक्टर को, वीरांगना के चरित्र को निकालने की कोशिश की है कि उसकी वाइफ उस समय क्या सोच रही होगी। उस पे इससे लाइनें हैं कि हाथों में लगी मेहंदी का न रंग आया था, छुट्टियों के खत्म की है चिट्ठी आ गई, मुस्कुराई होठों से वो दिल में रो पड़ी, मुस्कुराई होठों से वो दिल में रो पड़ी, लेके गहरी सांस फिर वो कह पड़ी, लेके गहरी सांस फिर वो कह पड़ी, जाओ तुम प्रिय अपने साहस को लिए। अभी देखिए वीर की वीरांगना कैसे कह रही है अपने पति से कि आप जाइए, लेके गहरी सांस फिर वो कह पड़ी, जाओ तुम प्रिय अपनी साहस को लिए, रहूंगी अपनी मांग में सिंदूर को लिए, रहूंगी अपनी मांग में सिंदूर को लिए, चूड़ियों की खनक से बुलाऊंगी तुम्हें। अब वो अपने वीर को कह रही है कि आप चिंता मत करिए, चूड़ियों की खनक से बुलाऊंगी तुम्हें, काल से भी मैं छीन लाऊंगी तुम्हें, हाथों में लगी मेहंदी है देखो क्या कह रही। अब अपने मेहंदी को दिखाते हुए कह रही है कि हाथों में लगी मेहंदी है देखो क्या कह रही, दस दस को मारना है तुमसे ये कह रही। अब वीर की वीरांगना का चरित्र देखिए, एक तरफ उसका हस्बैंड किसी लड़ाई में जा रहा है फिर भी उसके अंदर कितना साहस है, तो वो कह रही है कि हाथों में लगी मेहंदी देखो तुमसे क्या कह रही, दस दस को मारना है तुमसे ये कह रही, डाल दूंगी अपनी गोरी बाहियों का हार, पर लौट आना तुम। वो कह रही है कि मैं अपनी गोरी बाहों का हार हार पर डाल दूंगी, बस एक ही वादा करके जाओ कि लौट आना तुम। तुम उसके आगे क्या कह रही है, मिलूंगी ऐसे लाल जोड़े में सजी हुई। अब उसको एक सांत्वना दे रही है कि टेंशन मत लो, शादी हो गई है और जैसा छोड़ के जा रहा हूं मैं वैसे ही मिलूंगी आपको, बस वादा ये है कि लौट आना। तो आगे क्या चार लाइन पे मैं लिखा है कि सुनिएगा, मिलूंगी ऐसे लाल जोड़े में सजी हुई, रहेगी मेरे हाथों में मेहंदी रची हुई, रहेगी मेरे हाथों में मेहंदी रची हुई, लाल लाल चूड़िया भी होंगी हाथ में, लाल लाल चूड़िया भी होंगी हाथ में, रहेगी कानों में बालियां लगी हुई। बस वादा क्या है, लौटवाना तुम। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अब एक दृश्य देखिए, वहां पर लड़ाई हो रही है बहुत, उस काल के वीर ने क्या लड़ाई की है, पस्त कर दिए दुश्मनों की सेना को। अब माहौल कुछ ऐसा हो गया कि गांव में कुछ खबर आती है, अब क्या खबर आती है ये अभी किसी को कुछ नहीं पता है। दृश्य में आपको एक साथ लेके चल रहा हूँ और तालियों से फिर से स्वागत करिए चार लाइनों का। इतना ऐसे है कि देखते ही देखते वो दिन भी आ गया, शोर पूरे गांव में कुछ ऐसा छा गया। अब कुछ खबर आई है, गांव में पूरे शोर मच गया है। धड़कने हैं भी देखो बढ़ने लगी। अब लोगों की धड़कने बढ़ने लगी है खबर सुनकर, अब क्या खबर है सुनिए, धड़कने हैं भी देखो बढ़ने लगी, ऐसा भी कौन सा भूचाल आ गया, अरे वाह, ऐसा भी कौन सा भूचाल आ गया। यहाँ पर चार लाइनें हैं, अगर आप तक पहुंचते तो जरूर जोरदार तालियां बजाइएगा। देखते ही सामने
उसकी आंखें नम हुई, अब उसका दृश्य ऐसा है कि उसका वीर उसके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी वाइफ उसको देख रही है। उस पर चार लाइनें अगर आप तक पहुँचते तो प्लीज़ तालियों से स्वागत करिए। देखते ही सामने उसकी आंखें नम हुई, होठों पे हंसी लिए वो थी खड़ी हुई, होठों पे हंसी लिए वो थी खड़ी हुई, देखो लाल जोड़े में थी सजी हुई। अब जैसे उसने वादा किया था तुम आओगे तो वैसे ही मिलूंगी, देखो लाल जोड़े में थी वो सजी हुई, डाल के अपनी बाहों का हार वो, डाल के अपनी बाहों का हार वो, क्या बोलती है, लौट आए तुम, अब वो क्या कह रही है, जैसा उसने वादा किया था, मेरी चूड़ियों ने बुला लिया है तुम्हें, उसने बोला था पहले कि मेरी चूड़ियों की खनक से बुला लूंगी तुम्हें, तो उसी पे लिखा कि मेरी चूड़ियों ने बुला लिया है तुम्हें, काल से भी मैंने छीन लिया है तुम्हें, देखो तेरे नाम की है मेहंदी लगी हुई, उसने बोला था कि तेरे नाम की मेहंदी लगा के रखी, उसी पे वो कह रही है, देखो तेरे नाम की है मेहंदी लगी हुई, मांग भी है भरी सिंदूर से भरी, मांग भी है मेरी सिंदूर से भरी, क्योंकि लौट आए तुम, लौट